हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इन 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन एल एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इज 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल। अब इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है की कंसेप्ट इसमें, कि अगर हम बात करें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो और एक फॉर्मूला और है हमारा, परपेंडिकुलर जब कंडीशन होती है तो हमारे पास स्लोप का जो इक्वेशन होता है m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस का 1 के इक्वल होता है। अब क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है 5x माइनस y इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इसको मेंशन कर देते हैं यहाँ पे हम, यहाँ दे रखी है आपकी 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। और जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास लाइन की, वो होती है आपकी स्लोप की y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो इसके बेसिस पे अगर हम इसमें कंपैरिजन कराएं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5x माइनस 1, यानी कि जो आपका m1 का जो वैल्यू मिल जाएगा आपका कंपेरिजन कराने पर वो आपका 5 बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब इस लाइन की इक्वेशन को हम एक फिगर के ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो इस तरीके का ये लाइन है, ये आपका क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का, ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या है, O पॉइंट मान लिया मैंने, इसको A पॉइंट मान लिया और इसको मैंने B पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एम वन निकाला है इसका स्लोप कितना है 5, तो एम टू निकालते हैं, परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने 5 पुट किया तो m2 इक्वल्स क्या मिलेगा, माइनस का 1, यानी कि जो m2 की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस की 1/5 मिल जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारे पास m1 m2 की वैल्यू आ गई तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो क्या मिलेगी आपकी, y इक्वल्स टू माइनस 1/5 एक्स प्लस का c मिल जाएगा। अब मुझे c की वैल्यू फाइंड करनी, तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे y क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, c मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, c आ जाएगा, मतलब हमारे पास ये वाला पॉइंट काटेगा यहाँ पे 0, c, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने y की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ से जो x मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, 5c मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 5c, 0, 5c, 0, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी का निकालता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 बेस इनटू हाइट। इसका बेस कितना है आपका, 5c है और हाइट कितनी है आपकी, c दे रखी है, ठीक है। तो और जो क्वेश्चन में आपका जो इसका एरिया वो दे रखा है वो कितना है आपका, कोऑर्डिनेट एक्सिस 5 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 5 से इक्वेट करा दूंगा और 5 से 5 का क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा। तो यहाँ से जो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 2 मिल जाएगी, मतलब जो सी की वैल्यू है वो प्लस माइनस में आपका √2 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम जो सी की वैल्यू है इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो सी की वैल्यू इक्वेशन पुट करने में क्या मिली है, वाई इक्वल्स टू, दो वैल्यू आई हमारे पास, दोनों पुट कर देते हैं, -1/5 x, एक तो हमारे पास प्लस में √2 आई है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, माइनस की 1/5 x माइनस की, तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। एल जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल गया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।